हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस, सो फॉलो मी। रेजिस्टेंस होता है, जब भी हम करंट पास करते हैं किसी मेटलिक कंडक्टर में तो उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल, है ना? Is the obstacle in the flow of current when current is passed through a मेटलिक कंडक्टर। बच्चों, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा ये 9th क्लास में, तो वही है। अगर कोई मेटलिक कंडक्टर है आर, उसका लेंथ है एल, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और अगर मेटलिक कंडक्टर यानी वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, देन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम इन दोनों को मिला दें सो इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर ये प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो ये हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये जो है रो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। सो रो इज रेजिस्टिविटी, या इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंस द टर्म रेजिस्टिविटी शुड बी यूज्ड ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सो मोस्टली दिस टर्म इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। Now we will discuss about another term, it is the conductance. इसको हम G से denote करते हैं और conductance है is the reciprocal of the is the inverse
रेसिप्रोकल कहें हम, या इसी की जगह दूसरा शब्द यूज करते कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ आर. सो कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ आर, यानी कि रेजिस्टेंस. सो इसकी यूनिट हो जाती है, इसका उल्टा है तो यूनिट हो गई मो. और सिंबलाइज करें तो ओम इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है. सो कंडक्टेंस जी क्या हो गया, वन अपॉन आर. ठीक है, आर क्या होता है, अभी आपने पिछले में फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हो गया वन अपॉन रो एल अपॉन ए, उल्टा हो गया, वन अपॉन रो चला गया तो ये हो गया ए अपॉन एल. ठीक है, कहां से आ गया ये, आपने पढ़ा था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अब हम वन अपॉन आर लिख रहे हैं तो वन अपॉन आर की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में से, वन अपॉन रो इक्वल टू वन अपॉन रो इन टू ए अपॉन एल. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंडक्टेंस निकालने के लिए. कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि कंडक्टेंस निकालिए तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जी, कंडक्टेंस जी. इज इक्वल टू वन अपॉन आर या वन अपॉन रो ए अपॉन एल, कोई भी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन कम टू द कंडक्टिविटी. या इसी का हम कहते हैं, इसी को काप्पा, या इसी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो जैसे उसमें हम, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो यहाँ पर भी जैसे वहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बजाय स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी टर्म ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बोलने में या यूज़ करने में, उसी तरह अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस के प्लेस में कंडक्टिविटी वर्ड शुड बी प्रेफर टू यूज़. सो इन मोस्ट ऑफ द बुक दिस टर्म इज ओनली referred as conductivity. So conductivity is the reciprocal or inverse of specific रेजिस्टेंस, या हम ये इसी को कह सकते हैं रेजिस्टिविटी. यानी रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हम कंडक्टिविटी या कप्पा बोलते हैं. ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल के एंड इट्स SI यूनिट साइमन मीटर इनवर्स. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये साइमन क्या है, जो ओम इनवर्स होता है इसको साइमन बोलते हैं. अभी आपने उसमें पढ़ा था ना कंडक्टेंस में, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स है, तो उसकी यूनिट ओम इनवर्स या साइमन भी है. एस मतलब साइमन, इसको बोलते हैं. ठीक है,
एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन, ये ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन है, वन मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे के एसआई की यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट के अलावा अदर यूनिट भी होती हैं, जो मोस्टली यूज्ड यूनिट होती है वो है आपकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में यूज होती है। तो अभी आप देखेंगे जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो साइमन मीटर इनवर्स में भी मिलेगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में भी मिलेगी। कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या दिया है न्यूमेरिकल में, तो आपको क्या देख लेना है, यूनिट देख लेनी है, यूनिट देख करके पहचान लेना है कि ये कौन सा टर्म हमको दिया गया है, यूनिट से पता चल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगर हम इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएं कंडक्टिविटी के लिए, तो के होता है वन अपॉन रो, ठीक है। अभी आपने वहां पे पढ़ा था कंडक्टेंस वाला फॉर्मूला कि वन अपॉन आर इक्वल टू वन वाई रो इंटू ए अपॉन एल। इस फॉर्मूले में हमको चाहिए वन बाई रो की वैल्यू, है ना। अगर हम वन बाई रो की वैल्यू ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो ये वाला वन अपॉन रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में से देखकर, वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। यानी के इक्वल टू हो गया वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ए प्लस ग्रेड का फॉर्मूले तो सभी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट अभी जो आपका एन सी आर टी टेक्स्ट बुक में है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उसमें यह फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझनी है, इस फॉर्मूले में जो ये टर्म है एल अपॉन ए, ये टर्म एल अपॉन ए कहलाता है सेल कॉन्स्टेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में सेल कॉन्स्टेंट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दें, कहाँ से आया था फॉर्मूला, यहाँ पर L अपॉन A इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल कॉन्स्टेंट। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो सेल कॉन्स्टेंट पूछा जाता है, सेल कॉन्स्टेंट मतलब आपको L अपॉन A निकालना है, ठीक। तो K की यूनिट हमने ऐसा यूनिट बता दी, देन ऑन डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी मटेरियल्स आर मैनी टाइप्स, उसको भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन इसके पहले हम डिस्कस कर लें फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। सो वी हैव टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी। सो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, देन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है एट विच इट इज मेजर। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे अब ये नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कंडक्टिविटी के मैग्नीट्यूड के बेस पर कई टाइप के होते हैं,
इसको अब डिस्कस करेंगे। मटेरियल्स चार प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी। डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नीट्यूड materials are four types। ये four types जो material है, यहाँ से जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, यहाँ से वन वन मार्क के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी आ सकते हैं। तो four type के materials होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं आर द materials with very high conductivity। material with very high conductivity are called as conductors। for example metals and their alloys and some non-metals भी हो सकता है। इसका example जैसे कि carbon black, and graphite, ये भी इनका एग्जाम्पल हो सकता है। एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर, थोड़ा देखिए ध्यान से, सम नॉन मेटल्स, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं कंडक्टर्स के। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? आर materials with no conductivity, इनमें कोई कंडक्टिविटी ही नहीं होती है, कोई कंडक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल ग्लास, सिरेमिक एंड सिलिका। ठीक है, देन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स होते हैं आर द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन 1 conductors and insulators। एग्जाम्पल है इसका जर्मेनियम एंड सिलिकन डॉक्ड विद बोरोन एंड आर्सेनिक, आइदर बोरोन और आर्सेनिक दोनों से एक साथ नहीं डॉपिंग की जाती है। डॉपिंग का मतलब होता है मिक्स करना,
यानी अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिला देते हैं इनको, बोरोन और आर्सेनिक को, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी को हम डॉपिंग कहते हैं, मतलब इम्प्योरिटी मिक्स करना। इसको हम मिक्स कर देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। द नेक्स्ट आर द सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच हैव इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं लीस्ट नो अथवा लीस्ट रेजिस्टिविटी। उनमें बिल्कुल भी रेजिस्टिविटी ना हो, बिल्कुल भी रेजिस्टिविटी ना हो तो हम उनको कहेंगे सुपर कंडक्टर। सो दीज आर द टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिंग पावर। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा मैटेलिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस भी दो तरीके का होता है। ये पूरे इलाके में से 1-1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं जितना आज आप पढ़ रहे हैं। तो ये होता है दो टाइप का, एक हो गया मेटालिक कंडक्टेंस, या हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो मेटालिक कंडक्टेंस होता है, इट इज ड्यू टू आयंस, सॉरी मेटालिक कंडक्टेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, आयन से नहीं होता है। मेटालिक कंडक्टेंस नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, टेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिख लीजिए आप टेक्स प्लेस, ठीक। इसके कारण होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है टेक्स प्लेस ड्यू टू आयंस, ये आयंस के कारण होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, ध्यान दीजिए। The nature of structure of material, ठीक, number of valence electron per atom and number 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना है, जो टेम्परेचर वाला पॉइंट है ए प्लस ग्रेड का पॉइंट। मेटलिक कंडक्टर ऑलवेज, ये जो मेटलिक कंडक्टेंस है ये ऑलवेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन
टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑन कंपोजिशन ऑफ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के कंपोजिशन पर क्या असर पड़ता है? नो इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? जो वायर होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक एंड से गए और दूसरे एंड से निकल गए। रीजन? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू वन एंड टू अनदर एंड, बस इतना ही काम है। कोई केमिकल कंपोजिशन इनका चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ध्यान रखिए दो चीजें, टेम्परेचर वाली और ये वाली कंपोजिशन वाली। यहाँ कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उधर कंपोजिशन चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। और दूसरा कारण, टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही कंडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि आयन की मोबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। सो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यहीं पर नीचे लिखना है आगे से, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, उसी में कंटिन्यू करते जाइए आप। फैक्टर्स affecting ionic conduction or electrolytic conduction। बच्चों ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को ही आयनिक कंडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि आयन से हो रहा है। ठीक है, जैसे उसको इलेक्ट्रॉनिक कहते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन से हो रहा था, ये आयन से हो रहा है तो आयनिक कंडक्शन। सो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देन साइज ऑफ आयन्स, produced and their solvation, ions produce कैसे हुए और उनके solvation पर depend करता है, and then nature of solvent and its viscosity, सॉल्वेंट के नेचर पर और उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट वन इज द
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पर डिपेंड करता है। एंड फिफ्थ एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज द टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आ जाइए मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा एम। लिख लिया होगा, इसको भी मिटा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है the conductance of VML of conductance of volume V. of the solution containing one mole of electrolyte placed between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length। या सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट हो और जो ऐसे इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हो जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, और यूनिट लेंथ से उनका डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड का, तो हम उस समय जो भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी या कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उस समय हम उसको कहेंगे लिमिट, ये मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट। ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन पूछा जाता है मोलर कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। ये अपने आप में ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन है एंड इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट याद रखिए मोलर कंडक्टिविटी की, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, सॉरी हम एसआई यूनिट बताना चाह रहे हैं तो एसआई यूनिट में सेंटीमीटर नहीं होता है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चे ज्यादातर यही गलती करते आते हैं, जब एसआई यूनिट पूछी जाती है तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ना लिख करके बच्चे लिख के आते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वो गलती आपको नहीं करनी है। और इसके अलावा जो मोस्ट यूज्ड यूनिट है
या हम कहें फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती है जो, वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट याद रखिए, जब आपसे SI यूनिट पूछी जा रही है तो आपका जवाब ये होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है और उसकी SI यूनिट क्या है। नाउ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंडक्टिविटी के। तो रिलेशन ऐसे थियोरेटिकली भी पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है इसी पोर्शन से। बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये, आज जितना भी पोर्शन आपने पढ़ा है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुना, अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के, यानी लैम्डा एम और के में क्या रिलेशन है। तो के यानी लैम्डा एम इक्वल टू होता है के बाई सी। यहाँ पे के है आपका, पढ़ चुके हैं कंडक्टिविटी, और सी है, सी है, सी भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको एम लिखा मिलेगा, सी या एम एक ही बात है। ये है आपका मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इन मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं और कहीं पर यूनिट दी जाती है, के की यूनिट कभी साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स दी जाती है और कभी साइमन मीटर इन्वर्स दी जाती है के की यूनिट। कई बच्चे जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वो फटाफट यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं, और कई बार मैथमेटिक्स के बच्चे भी ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसमें आपको बस छोटा सा ध्यान रखना है, मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान रखिए, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, भले आप मैथ के नहीं हैं, भले आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं सीखा है। तो ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि लैम्डा एम इक्वल टू के बाई सी इंटू 1000। ये कब होगा, ये वाला फॉर्मूला कब लिखेंगे, ये कैलकुलेशन केवल इस फॉर्मूले से नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देंगे तो आपका गलत हो सकता है। तो थोड़ा यूनिट पर ध्यान देकर के फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जब आपसे सिंपली पूछा गया है कि लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो आप बस करके आ जाइए, दैट इज सफिशियंट। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले को या तो इस फॉर्म में या मैं जो दूसरा फॉर्म बता रही हूँ उस फॉर्म में लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि तभी आपका आंसर सही होगा। उसमें क्या करना है आपको, लैम्डा एम इक्वल टू के वाई सी, ये कब होगा, जब के की यूनिट दी गई हो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में। ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, के की यूनिट जब साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स है तो आपका जो 1000 का मल्टीप्लाई है वो ऊपर होगा, और उस समय ये लैम्डा एम की यूनिट क्या आएगी, ये लैम्डा एम की यूनिट आएगी साइमन, वहाँ सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ भी यूनिट क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। यानी जब आप क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, ये दिया गया है साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो आपका आंसर आएगा किस में, लैम्डा एम की यूनिट क्या आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको दिया है यही के की यूनिट दी गई है किस में, साइमन मीटर इन्वर्स में, या ये यूनिट मीटर इन्वर्स में दी गई है, यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर लिया गया है, तब आप क्या करेंगे, उस समय फॉर्मूला हम डायरेक्ट ये लगा लो, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, के बाई सी इंटू 1/1000। ये कब लगाएंगे,
जब के की यूनिट होगी साइमन मीटर इनवर्स, उस समय लैम्डा एम की यूनिट आपकी आएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अब आपके पास समस्या क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि जब आप दोनों याद करोगे और क्वेश्चन करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। फॉर्मूला तो याद रहेगा, ये रहेगा एक में ऊपर था 1000 का मल्टीप्लाई एक में नीचे था, अब कैसे याद रखना है इसको। केवल इसको याद रखो, इसको याद मत रखो, इसको याद रखो कि जब साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स है तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, उस समय हमको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसका फिर क्या है, इसका अपोजिट याद रखना है, तो आपका इजीली हो जाएगा। कभी कभी केवल इससे काम नहीं चलता, इस फॉर्मूले में हम के की जगह वो भी रख सकते हैं। अभी आपने क्या निकाला था, पहले कंडक्टिविटी फॉर्मूले में के इक्वल टू क्या होता है, 1/r (l/a), तो वो भी यहाँ रख सकते हैं। तो लेमडा एम इक्वल टू फाइनली क्या बन गया, लेमडा एम इक्वल टू बन गया K/C। के की जगह आपने क्या रखा, के की जगह आप रख रहे हैं 1/r (l/a) × 1000/c। सी भी लिख सकते हो या एम भी लिख सकते हो, एक ही बात है, मैंने बताया ना आपको। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये यूनिट यहाँ पर ध्यान देना है। जब आपने 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो आपका आंसर काहे में आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा। अगर आपने 1000 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तब आपका आंसर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा। ठीक है, इसमें तो आपको यूनिट कन्वर्जन में अंदर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैथ वाले बच्चे नहीं हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं, जो मैथ से डरते हैं, कई बार मैथ के बच्चे भी गलत करके आते हैं यूनिट कन्वर्जन, उनके लिए बिल्कुल सीधा सीधा ट्रिक है। और एक बात आपको बता दूं, जो NCERT बुक है उसमें जो कई एडिशंस ऐसे हैं जहां पर ये फॉर्मूले आप ध्यान से देखना थोड़े गलत लिखे हुए हैं। अगर आपकी बुक में थोड़ा गड़बड़ है तो आप कन्फ्यूज़ ना करें, आपको जैसे बताया है वही सही है, उसी से पढ़ें ध्यान से और अपनी बुक में करेक्शन कर लें। जो नए एडिशन की बुक है उसमें नहीं है, जो थोड़ी पुराने एडिशन की बुक है उसमें यह फॉर्मूला गलत छपा हुआ है थोड़ा सा, यूनिट के केस में वहाँ पे आपको ध्यान देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक और टर्म रह गया है अभी कैलकुलेट करने के लिए, में समझने के लिए, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी से ऐसे भी, और कई कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा, इस तरह का साइन बना होगा, एक ही बात है, डोंट बी कंफ्यूज। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा होगा, वही होगा इलेक्ट्रोलाइट का होगा, तो चाहे आप सॉल्यूशन लिखें चाहे आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिखें, दोनों चीजें सही हैं, इलेक्ट्रोलाइट का ही सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, यानी जब कंसंट्रेशन लगभग जीरो के बराबर है उस समय की मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, या हम कह सकते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ, यानी कौन सी कंडक्टिविटी, द
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलजुल कर आप तैयारी करके आएंगे, ठीक है? ओके।